आज हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, अर्थात तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन। सामाजिक अनुसंधान में हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। इसके साथ ही साथ जब तक उन सर्वेक्षण से जो डाटा इकट्ठा होता है उसको वर्गीकरण और सारणीयन के जरिए व्यवस्थित करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो तथ्य समझ में आए, व्यवस्थित रूप से समझ में आए, इसके लिए जरूरी है उन तथ्यों को हम ऐसे रूप में प्रस्तुत करें जिससे अधिक पढ़े लिखे लोग की तो समझ में आए, साथ में थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों की भी अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए ये कहा जाता है कि तथ्यों को अगर हम चित्रमय रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इससे हमारा अनुसंधान कार्य का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। अगर देखा जाए तो तथ्य एक तरह से जटिल प्रकृति के होते हैं, लेकिन जब तक उनको हम वर्गीकरण और सारणीयन के जरिए उनको सरल प्रकृति का बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ में अगर हम उसको चित्रमय रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उससे तथ्य अच्छी तरह से समझ में आते हैं। अगर हम ये देखते हैं, जैसे आप सड़क पे चले जा रहे हैं, सड़क पे जाते समय किसी चौराहे पे आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दिया जिसमें किसी प्रदेश सरकार का पूरा ब्यौरा लाइनों में लिखा हुआ है। जनरली आदमी उस तथ्य को, उस बोर्ड पे लिखी हुई लाइनों को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर वो चित्रमय रूप में रहे एक बार रुक के उसको देखेगा। इसी तरह से अगर कोई मैगजीन हमने खरीदी और मैगजीन में लाइनें लिखी रहती हैं तो उसको पढ़ता है, पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको चित्रमय रूप में रहे तो एक बार उस पर नजर जाती है। यानी हमारा जो नेचर है, आदमी का जो की प्रकृति है, वो चित्रमय रूप में ज्यादा आकर्षित होती है। तो इसलिए तथ्यों को व्यवस्थित करके चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने से अधिक लोगों तक रिसर्चर की बात पहुंच सकती है। अर्थ पे अगर हम जाते हैं, तथ्यों के जो चित्रमय प्रदर्शन होता है, एक तरह से उसके जरिए बहुत सारा जो डाटा होता है वो साधारण रूप में, सरल रूप से जनता के सामने आता है, रिसर्चर के सामने आता है, दूसरे शोधकर्ताओं के सामने आता है, आम इंसान के सामने आता है। तो एक सरल प्रकृति का बनाने के लिए उसको चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही साथ आदमी उससे आकर्षित हो, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जब तक हम किसी चीज को आकर्षित नहीं बनाएंगे तब तक आदमी उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। किसी भी अगर हम कार्यक्रम में देखते हैं, जब तक उसकी सजावट नहीं होगी तो तब तक उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो। इसी तरह से अगर हम तथ्यों को व्यवस्थित करने के बाद अगर हमसे कोई रिजल्ट निकालते हैं वो तो ठीक है, रिजल्ट निकलता है, लेकिन जब तक उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, आकर्षित नहीं बनाएंगे, तब तक वो चीज उतनी ज्यादा लोगों को प्रभावित तो नहीं करेगी। इसके साथ साथ चित्रमय प्रदर्शन से पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़ता ही पढ़ता है, पढ़ा लिखा आदमी तो देखता ही देखता है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी कम से कम चित्रों से एक अनुमान लगा लेता है। जैसे अगर हम पाई चार्ट के आधार पर देखते हैं तो छोटा गोला अगर है तो यानी कम, बड़ा गोला है तो बड़ा है, यानी लिटरेट और इलिटरेट दोनों के लिए एक तरह से चित्रमय प्रदर्शन बहुत अच्छा माना जाता है। डाटा को अगर डायग्राम के चित्रमय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। इसी संबंध में अगर हम पीवीएम की बात करते हैं, जो उन्होंने किताब अपनी साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में कहा है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर स्पेशली वैल्यूएबल, यानी ये जो चार्ट बने होते हैं, ग्राफ बने होते हैं, वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इन रेंडरिंग द लार्ज मासेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जो बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर होता है, यानी इसमें एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति की वो समझ में आता है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, ये यानी एक तो व्यवस्थित रूप से वो बनाया जाता है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, रिलायबल, द माइंड ऑफ बर्डन, सम ऑफ डिटेल्स by portraying facts concisely, logically, यानी उसमें तर्क भी होता है and simply वो साधारण ढंग से होता है, graphs and charts by emphasizing new and significant relationship, जिसमें एक व्यवस्थित रूप से संबंध समझ में आते हैं, may also be immense services and discovering new facts and developing hypothesis, यानी जिससे hypothesis develop करने में भी मदद मिलती है। इस तरह से कहा जाए diagrammatic रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक रिसर्चर के लिए बहुत अहम स्थान रखता है। जब तक हम इसको चित्रमय रूप में प्रस्तुत नहीं करते तब तक हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात नहीं कर सकते। हम उसका वर्गीकरण करते हैं, हम उसका सारणीकरण करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, लेकिन
अगर हम जब उसको चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो वास्तव में वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। इससे समाज का अंतिम रूप से ज्यादातर लोग तक बात कही जाती है। विशेषताओं पे अगर आप ध्यान देते हैं तो उसमें एक पहली विशेषता दिखाई पड़ती, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब हम ये कह सकते हैं एक ऐसी स्पष्टता की बात करते हैं जिसमें कि चित्र प्रत्येक व्यक्ति की अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यानी चित्रों में विविध प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है तो उसमें सब चीजों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। एक अच्छा जो चित्रमय रूप है उससे दर्शक एक तरह से उसकी समझ में आना चाहिए। दूसरी तरफ है सिंप्लिसिटी। इसमें एक सिंप्लिसिटी का गुण भी होता है, यानी अगर हम इसकी विशेषताओं में बात करते हैं उसमें सरलता का दृष्टिकोण होता है, अर्थात आम इंसान उस चीज को सरल ढंग से समझ सकता है। यानी हमारे जो तथ्य होते घटे होते हैं उनको सरल ढंग से हम चित्रमय प्रदर्शन में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम अट्रैक्टिव की बात करते हैं, आकर्षण की बात करते हैं, एक अच्छा जो चित्र है वो सबसे उसमें विशेषता यह है कि वो जो कागज प्रयोग किया जाता है, जो रंग बदला जाता है, अनुकूल स्थान बनाया जाता है, सुंदरता की बात करती है, और जो संकेत होते हैं उनका ठीक प्रकार से प्रदर्शन चित्रों को आकर्षक बना देता है। यानी एक तरह से हम अपने चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए उसको डिफरेंट टाइप्स का डिजाइन तैयार करते हैं, उसमें मल्टी कलर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो उसको देखने वाला है, रिसर्चर है, कोई स्टूडेंट्स है, या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर हम मैगजीन्स की बात करते हैं तो मैगजीन्स में अगर वो मल्टी कलर होते तो हमारा ध्यान एकदम से जाता है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, इसके लिए उसको अट्रैक्टिव का एक विशेष गुण कहा जाता है। इसके साथ साथ हम अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, अर्थात परिशुद्धता की बात करते हैं, तो उसमें चित्रों की जो माप होती है वो परिशुद्ध होना जरूरी है। जिस पैमाने का चित्र रचना में प्रयोग किया गया उसका जो उल्लेख किया जाना चाहिए, कौन सा मतलब परिशुद्धता किस रूप में है। इसके साथ साथ इसमें रियलिस्टिक यानी वास्तविकता का दृष्टिकोण होना चाहिए। एक अच्छे चित्र में तथ्यों को सही रूप से प्रदर्शित करने का एक विशेष गुण होता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी, एक अच्छे चित्र मितव्ययी होना चाहिए। यानी इसकी रचना में बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा पैसा, समय और परिश्रम नहीं लगना चाहिए। यानी यानी ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगा के लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करें, इसमें मितव्ययिता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट साइज, अप्रोप्रिएट साइज भी एक इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तरह से उपयुक्त स्वरूप इसका होना चाहिए। इसकी जो नेचर है वो तथ्यों का प्रदर्शन विविध प्रकार के चित्रों द्वारा किया जाता है। तथ्यों के चित्र में प्रदर्शन में उपयुक्त स्वरूप से चित्र का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। किस स्थान पर कौन सा चित्र लगाना है ये बड़ी सोच समझ के तय करना चाहिए, क्योंकि खासकर चित्रमय प्रदर्शन में अगर उपयुक्त चित्र नहीं होता है तो लोग की क्लियर नहीं होगा। यानी तथ्यों में के चुनाव तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त चित्र का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से अप्रोप्रिएट उपयुक्त स्वरूप होना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कैप्शंस विद स्केल, अगर हम कैप्शंस विद स्केल्स की बात करते हैं तो विशेष रूप से हमको ये दिखाई पड़ता है कि प्रत्येक जो आप चित्र बनाते हैं, चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें उस चित्र का शीर्षक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शीर्षक नहीं होगा तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। साथ साथ जो शीर्षक के साथ साथ उसमें स्केल भी बना होना चाहिए, यानी उसमें एक तरह से अनुमाप भी प्रस्तुत होना चाहिए। अगर अनुमाप नहीं होगा तो लोगों की वो चीज क्लियर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कहीं की जनसंख्या है 50 लाख, कहीं की जनसंख्या है 20 लाख, उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है ये क्लियर होना चाहिए। एक सेंटीमीटर अगर क्लियर नहीं होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लेकिन चित्र में प्रदर्शन में स्पेशली अनुमाप का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके साथ साथ एक इंडेक्स, इंडेक्स का दृष्टिकोण भी, यानी संकेत, संकेत का दृष्टिकोण भी दिखाया जाता है चित्रों में। इसकी एक विशेषता ये भी है कि तथ्यों को विभिन्न तरह के रंगों से अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में चित्र के साथ साथ संकेत में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक विशेष रंग और चिन्ह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी यहाँ पर ये चीज क्लियर की जाती है, अर्थात सिंबल्स का प्रयोग, संकेत का प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है। इसके
इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इसकी उपयोगिता की बात करते हैं, तो एक पहली उपयोगिता समझ में आती है, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव डाटा, आकर्षक और प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। यानी इसके एक उपयोगिता ये भी है चित्रमय प्रदर्शन करने से कि चित्रों द्वारा तथ्यों को कहीं अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, उसको आकर्षक बनाया जा सकता है, उसको लोगों को प्रभावित करने वाला बनाया जा सकता है। ये एक इसका खास उपयोग हम हमारी समझ में आता है। यानी हम चित्रों को मनोरंजन से भी मिलता जुलता है, मनुष्य अंकों की ओर ध्यान नहीं देता। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत लंबे चौड़े कैलकुलेशंस अगर उसमें प्रस्तुत किए गए तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो संख्याओं की लंबी तालिका देखकर कभी कभी वो परेशान सा हो जाता है और उसको वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको देखना नहीं चाहता, उसको समझना नहीं चाहता। इसलिए उसको आकर्षक बनाने के लिए चित्र, नए नए तरह के चित्र को प्रस्तुत करने से एक तरह से वो चीज अच्छी समझ में आती है। इसलिए इसकी एक उपयोगिता ये भी है चित्रमय प्रदर्शन की कि उसको आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। इसके साथ साथ सिंप्लीफाइंग द डाटा, यानी एक तरह से सरल ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी सरल बनाने में सहायक है। यानी इसकी एक उपयोगिता विशेष रूप से ये भी कहा जाती है कि सांख्यिकी तथ्य जो की जो प्रकृति होती है बहुत ज्यादा एक तरह से नीरस टाइप की होती है, लेकिन चित्रों को इन्हें सरल बनाया जा सकता है। चित्रों के द्वारा कठिन से कठिन तथ्य भी इसमें सरल से प्रतीत होते हैं। चित्र को एक तरह से सांख्यिकी तत्वों के विशाल समूह से स्पष्ट और बोधगम्य बनाने में महत्वपूर्ण स्थान की बात खासकर पीवी यंग ने भी की है। एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सरल ढंग से बनाने में से अधिक लोग उसकी उसको प्रयोग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ डायग्राम, डायग्राम मेक्स द डाटा टेंजिबल। यानी अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक चित्र जो बनाया जाता है उस चित्र से काफी हद तक वो डाटा प्रत्येक आदमी के लिए बोधगम्य होता है, यानी उसको अच्छी तरह से वो समझने का प्रयास कर सकता है। यानी चित्रों द्वारा तथ्यों को बोधगम्य बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी इसकी एक मेन उपयोगिता ये भी कही जा सकती है कि शब्दों और अंकों के माध्यम से जिस बात का हम प्रयास करते हैं, जिसको बात को हम समझाना चाहते हैं या समझाया नहीं जा सकता है, वो हम चित्रों के जरिए समझाया जाता है। बहुत सारी बातें हम लिख नहीं सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन हम चित्रों के जरिए सामने वाले को, आने वाली पीढ़ियों को हम चित्रों के जरिए समझा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हेल्पफुल इन कंपैरिजन, अगर हम जब बात करते हैं कंपैरिजन की, तो चित्रों के माध्यम से हम तथ्यों की तुलना बहुत ही सरल होती है। चित्रों को देखकर साधारण व्यक्ति भी विभिन्न तथ्यों की तुलना आपस में समझ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, एक बड़ा गोला, एक छोटा गोला, छोटे गोले और बड़े गोले में हम कह सकते हैं कि दोनों गोलों में अंतर है, एक बड़ा है एक छोटा है। यानी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, बड़े गोले से समझ में आता है इस जिले की जनसंख्या इतनी है, इस जिले की जनसंख्या इतनी है, इस आधार पर हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस जिले की कम है, इस जिले की ज्यादा है, एक तरह से तथ्यों के जरिए। इसी तरह से हम कह सकते हैं किसी कॉलेज में बच्चों की जनसंख्या स्पेशली आर्ट साइड के बच्चों की और साइंस साइड के बच्चों की और कॉमर्स साइड के बच्चों की, अगर हमको गोले के रूप में देखते हैं यानी पाई चार्ट के आधार पर देखते हैं, तो उसमें हमको तीन तरह के साइज अगर दिखाई देते हैं तो उससे हम तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस चीज को। इसके साथ साथ हम टाइम सेविंग की भी बात करते हैं, समय की बचत की बात करते हैं, खासकर चित्र में, प्रदर्शन में। चित्रों को देखने से हमको ये चीज क्लियर हो जाती है कि हम उसके अंदर क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, और ऐसे में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगाने की भी, परिणाम को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। परिणाम निकालने के लिए अधिक से अधिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, एक तरह से हमको टाइम देना पड़ता है। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्शन के समय में हम लोग लंबे चौड़े कैलकुलेशंस को देखना नहीं चाहते, लंबी चौड़ी लाइनिंग को पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे सामने अगर उस डिफरेंट स्थान पर जो लोगों ने सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने जीती है, भाजपा ने जीती है, या किसी भी दल ने जीती है, तो उनका अगर हम मैप के रूप में, चित्रमय रूप में हमारे सामने आ जाता है, तो हम एकदम से उसको समझ लेते हैं, तो उससे हमारे समय की भी बचत होती है। इसलिए कई बहुत सारे लोग ये कहते हैं चित्रमय प्रदर्शन से हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में उस चीज को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ये रिसर्च एक्टिविटीज में भी बहुत मददगार होती है, क्योंकि एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो वो तमाम तरह के डाटा का एनालिसिस करता है, सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करता है, तो ऐसे में उसके पास बहुत अधिक समय नहीं होता है। ऐसे में उसके सामने अगर हम रिसर्च में अगर चित्रमय रूप में वो चीज रहे, तो वो चीज उसको मददगार होती है। इसके साथ साथ हेल्पफुल इन प्रोपोगंडा, अगर हम प्रोपोगंडा की बात करते हैं कि
जब हम प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो उसमें चित्रों के प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपनी उपलब्धि की बात करता है, अगर इलेक्शन में खड़ा होता है और उसमें अपनी उपलब्धि की बात करता है, अगर चित्रमय रूप में उस चीज को प्रस्तुत करता है तो वो लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि लोग उनकी बुकलेट, पूरी पूरी किताब, पूरी पूरी मैगजीन्स में डिटेल्स अगर लिखे रहते हैं तो लोग उसको देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, और खासकर अनपढ़ व्यक्ति तो उसको बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर चित्रमय रूप में रहेगा तो अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस उपलब्धि को अच्छी तरह से समझ सकता है। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा अनेक तरह के जो कार्यक्रम समय समय पर चलाए जाते हैं, उनको चित्रमय रूप में इसलिए प्रदर्शित किया जाता है कि भारत की प्रत्येक जनता उसको अच्छी तरह से समझ सके। गांव गांव जाकर लोगों को प्रस्तुत किया जाता है चित्रमय के रूप में, जिससे अधिक से अधिक लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्पफुल इन प्रोडक्शन, चित्रों के जरिए हम प्रोडक्शंस भी भविष्य की ओर संकेत भी कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं चित्रों का एक लाभ यह भी है कि उसके द्वारा एक घटना विशेष में समय समय पर होने वाले चेंजेस को तुलनात्मक रूप से समझ सकते हैं और उसके आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की बात होगी। इसके साथ ही साथ विजिबल एट ए ग्लांस, अंतिम रूप से अगर हम ये बात करते हैं कि खासकर चित्रमय प्रदर्शन से ये चीज दिखाई पड़ती है कि एक तरह से पूरा पूरा सिस्टम में एक फायदेमंद का दृष्टिकोण रहता है, एक ऐसा दृष्टिकोण रहता है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका फायदा मिलता है। यानी एक दृष्टि में हमको ये क्लियर हो जाता है कि क्या चीज है। चित्रों के प्रदर्शन से एक उपयोगिता ये भी है कि तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करने से और उसे एक दृष्टि में देखकर संपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अनुसंधान के दौरान विश्लेषण करने पर एक रिपोर्ट से चित्रों के माध्यम से कई जानकारियां मिल जाती है। ऐसे में पूरी पूरी रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सारी जानकारी मिल जाती है। द ग्रेट मोर स्टेबल इफेक्टिव ऑन द माइंड ऑफ द रीडर्स, यानी तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन से एक पढ़ने वाले के दिमाग पे एक तरह से स्पेशल इफेक्ट पड़ता है, एक ऐसा स्थायी प्रभाव पड़ता है जिससे वो व्यक्ति व्यक्ति उसके बारे में एक धारणा, एक अच्छी धारणा बना लेता है। इसलिए कहा जाता है चित्रों का तथ्यमय प्रदर्शन की उपयोगिता बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। चित्रों के प्रदर्शन की बात करते हैं, तथ्यों के प्रदर्शन, चित्रमय प्रदर्शन की बात करते हैं, तो उसके कई प्रकार भी हैं। यहाँ पर हम केवल दो तरह के प्रकार के जिक्र कर रहे हैं, एक तो बार डायग्राम और एक पाई डायग्राम। बार डायग्राम एक दूसरे रूप में होता है, जो कि पाई डायग्राम एक सर्कल के रूप में दिखाई पड़ता है। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं, करते हैं तो बार डायग्राम में भी कई तरह के रूप हो सकते हैं, अर्थात दंड चित्र में भी कई तरह के तरीके हो सकते हैं। जैसे हम सिंपल बार डायग्राम की बात करते हैं, अर्थात सरल दंड चित्र की बात करते हैं। सरल दंड चित्र एक साधारण तरीका होता है जिसमें कि हम तथ्यों को एक साधारण रूप में सिंपल लाइनों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है, यानी एक तरह से एक उप दंड चित्र होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, जिसमें तथ्यों को हम एक लाइनों के साथ साथ हम वहां पर एक से अधिक लाइनों के रूप में उस चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल बार डायग्राम भी हो सकता है, मल्टीपल जिसमें एक दो से अधिक जो हम दंड चित्रों का प्रयोग करते हैं, तो उस तरह से हम तथ्यों को बता बता सकते हैं। इसके साथ साथ परसेंटेज बार डायग्राम, अर्थात एक तरह से प्रतिशत उपविभाजित चित्र, इसका प्रयोग भी हम करते हैं। हम उसको प्रतिशत में बांट लेते हैं, 100 में बांट लेते हैं और प्रत्येक चीज को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में दो डिफरेंट जो हमारे पास तथ्य का दृष्टिकोण है, उसमें हम परसेंटेज के आधार पर तुलनात्मक रूप में उस चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से इनको हम डिटेल जब बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम की, तो सरल दंड चित्र की, तो सरल दंड चित्र एक तरह से तथ्यों का एक साधारण रूप में प्रदर्शन है। सरल दंड चित्र एक तरह से इसमें तथ्यों के प्रदर्शन सीधी रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये रेखाएं क्षैतिज भी हो सकती हैं और उद्रक भी हो सकती हैं। सुधा की दृष्टिकोण से सरल दंड चित्र को हम देख सकते हैं, लाइनों के आधार पर देख सकते हैं और अनेक तरह के दंड बनाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो सिंपल बार डायग्राम को प्रस्तुत किया है, उसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि खासकर किसी कॉलेज में डिफरेंट ईयर्स में कितने कितने बच्चे दिखाई पड़ते हैं। अगर हम 2010 की बात करते हैं तो यहाँ 2010 में 10 सेंटीमीटर यानी 10
हमने एक पैमाना माना है पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 स्टूडेंट, यानी 10 का मतलब 10 गुणा 500 यानी 5000 बच्चे हो गए। 2010 में यह 5000 बच्चे थे। इसी तरह से अगर हम 2012 की बात करते हैं तो यानी 8 तक जा रहा है, यानी 8 का मतलब 8 गुणा 5 यानी 8 5 यानी 8 को 5 से गुणा करते हैं तो 8 5 40 यानी 4000 बच्चे। इसी तरह से 2014 की बात करते हैं तो यहाँ 6 दिखाई पड़ रहा है तो 6 6 35 यानी 3000 बच्चे। इसी तरह से 2016 की बात करते हैं, 2016 में हमको 9 के आसपास दिखाई पड़ा यानी 4500 बच्चे। इसी तरह से 2018 में हमने इसको प्रस्तुत किया है तो 18 में यानी 12 12 5 साढ़े यानी 6000 बच्चे। इसी तरह से 2020 में हमको ये 7 के आसपास दिखाई पड़ रहा है तो 7 5 35 यानी 3500 बच्चे। इस तरह से हम इस डाटा को लाइनों के जरिए बार के जरिए इस चीज को साधारण ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। डिफरेंट ईयर में इस तरह का प्रदर्शन किया जा सकता है। बार डायग्राम, जब हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम बहुदंड चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें उनको एक तरह से उपविभाजित दंड चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें केवल अंतर केवल ये है कि बहुदंड चित्र में प्रत्येक तत्व को दिखाने के लिए अलग अलग दंड चित्र का निर्माण किया जाता है, जबकि उपविभाजित दंड चित्र में अनेक तथ्यों या गुणों को एक ही दंड में अनेक भागों में विभाजित करके प्रदर्शित किया जाता है। खासकर हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि भारत में डिफरेंट ईयर में एक तरह से जो खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ है उसको प्रदर्शित किया है। अगर हम 1980 और 81 की बात करते हैं तो 1987 में इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख टन का जो पैमाना है, यानी पैमाना बनाना बहुत जरूरी है। खासकर किसी भी चित्रमय प्रदर्शन में अगर हम पैमाना नहीं बताएंगे तो वो चीज क्लियर नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर हमने पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख टन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1980-81 में जो खाद्यान्नों का प्रोडक्शन हुआ है और खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है तो ये करीब 9 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, 9 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो यानी 20 लाख टन, यानी 9 को हम 20 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 यानी 180, 180 लाख टन। लेकिन इसमें साथ साथ हमने जो राइस राइस का जो कलर है, राइस का कलर राइस थोड़ा सा ज्यादा है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अगर हम वीट की बात करते हैं, वीट थोड़ा कम है और साथ में पल्सेस का जो उत्पादन है वो थोड़ा और कम है, लेकिन टोटल जो उत्पादन हुआ है वो 180 लाख टन के आसपास दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर 1990 और 91 में हम बात करते हैं तो ये पहले वाले से 1980-81 से थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। यानी ये इसमें अगर हम देखते हैं राइस का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा कम है दिखाई पड़ता है, जबकि वीट का उत्पादन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है और पल्सेस का उत्पादन थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। यानी दोनों की तुलना में यहाँ पर इसका उत्पादन थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर हम 2000-2001 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 8 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, यानी 8 दून 16 160 लाख टन का उत्पादन दिखाई पड़ता है, जिसमें कि हमको ये जो राइस का जो उत्पादन है वो करीब 3.8 के आसपास दिखाई पड़ता है, यानी 4 से थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, यानी 4 दूनी 8 यानी 80 लाख टन के आसपास दिखाई पड़ रहा है। जो उत्पादन 1990-91 की तुलना में तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 1980-81 की तुलना में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, जबकि अगर हम वीट का उत्पादन की बात करते हैं तो वीट का उत्पादन काफी कम दिखाई पड़ रहा है 1980-81 की, 1990-91 की दोनों की तुलना में काफी कम दिखाई पड़ा। लेकिन अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो यानी दालों का जो उत्पादन है वो पहले 1980-81-90-91 की तुलना में यहाँ पर ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर हम 2010 और 11 की बात करते हैं तो यहाँ उत्पादन 12 के आसपास 12 सेंटीमीटर दिखाई पड़ा है, 12 दूनी 24 दिन 240 लाख टन के आसपास की बात करते हैं। इसमें अगर हम खासकर राइस की बात करते हैं तो राइस का जो उत्पादन दिखाई पड़ता है तो वो हमको दिखाई पड़ता है यानी 4 पॉइंट समथिंग करके, यानी लगभग 90 लाख टन के आसपास दिखाई पड़ता है। और जबकि अगर हम देखते हैं वीट का उत्पादन पिछले 1980-81 और 2000-2001 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि 1990 और 91 की तुलना में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस का उत्पादन हमको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है पिछले 1980-81, 1990-91, 2000-2001 की तुलना में यहाँ पर ज्यादा दिखाई पड़ता है। इस तरह से सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हमको एक ही दंड चित्र में डिफरेंट
चीजों को एक साथ प्रदर्शित करके हम उस चीज को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम की यानी बहुदंड चित्र की, जब हम बहुदंड चित्र की बात करते हैं तो एक तरह से ये जब हम एक दूसरे से भिन्न नेचर वाले अनेक तथ्यों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसमें हम तुलनात्मक प्रदर्शन करना में इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुदंड चित्र को बनाना बहुत अधिक उपयुक्त इसलिए समझा जाता है कि इसमें एक साथ अलग अलग दंड चित्र बनाकर उस चीज को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक तरह से उतनी संख्या में एक दूसरे से मिले जुले अनेक तरह के दंड बनाए जाते हैं जिसमें उन्हें एक दंड समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तथ्य वर्षों से संबंधित हो सकते हैं, राज्यों से संबंधित हो सकते हैं, स्थानों से संबंधित होते हैं या अन्य से संबंधित हो सकते हैं, इनको प्रदर्शित किया जाता है। खासकर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ कॉलेज, हमने यहाँ पर ये यानी कॉलेज में जो अलग अलग फैकल्टीज होती हैं उन फैकल्टीज में बच्चों की जो संख्या है, स्टूडेंट की जो संख्या है, उस चीज को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और साथ में स्केल की बात की, 1 सेंटीमीटर बराबर 500, यानी किसी भी चित्र में प्रदर्शन में स्केल होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना स्केल के वो चीज संबंध में नहीं आएगी। और शीर्षक होना इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ कॉलेज ये चीज प्रदर्शित किया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 2010 और 11 में जो आर्ट साइड के स्टूडेंट थे वो आर्ट साइड के स्टूडेंट करीब 4.2 4.3 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। यानी 4.2 की बात करते हैं तो इसको अगर हम 500 से गुणा करते हैं, 4 5 20, 20 यानी 2000, 2000 के आसपास 2100 करीब बच्चे हमको दिखाई पड़ते हैं 2010-11 में किसी कॉलेज में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं साइंस स्टूडेंट की तो वो भी 2.3 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो उसको अगर हम 500 से गुणा करते हैं यानी ये 1100 1200 स्टूडेंट हमको दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो ये 2 के आसपास है, यानी 1000 बच्चे हमको दिखाई पड़ते हैं 2010 और 2011 में। अगर हम 2011 और 2012 की बात करते हैं तो 2011-12 में हमको आर्ट साइड के जो स्टूडेंट दिखाई पड़ते हैं एक आर्ट फैकल्टी में तो वो 2.5 के आसपास यानी 25 125 125 यानी 1200 1300 के आसपास बच्चे दिखाई पड़ते हैं। इस तरह साइंस की बात करते हैं तो 4.2 के आसपास दिखाई पड़ते हैं यानी 2000 से अधिक बच्चे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 बच्चे दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम 2012-13 की बात करते हैं तो 2012-13 में इस चीज को समझाया गया कि ये 3.5 के आसपास है, यानी हम यहाँ पर बात करते हैं 1500 या 1600 1700 बच्चे के आसपास हम कह सकते हैं। और जबकि साइंस के बच्चों की बात करते हैं तो ये 2 से थोड़ा सा कम है, यानी 1000 बच्चों से थोड़े से कम बच्चे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब हम कॉमर्स के बच्चों की बात करते हैं तो कॉमर्स के बच्चे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं लगभग 3 यानी 1500 बच्चे के आसपास दिखाई पड़ते हैं स्केल से कन्वर्ट करने पर। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2013-14 में तो ये 4.5 के आसपास दिखाई पड़ता है, यानी जिसमें 2000 से अधिक बच्चों की बात करते हैं, 2100 2200 बच्चों की बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम साइंस के बच्चों की बात करते हैं तो साइंस के बच्चे हमको 3 से थोड़ा सा कम है, यानी 1500 बच्चों से थोड़े से कम बच्चे दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉमर्स के बच्चों की बात करते हैं तो ये 5 के आसपास जाता है, यानी 2500 बच्चों के आसपास दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल बार डायग्राम से बहुदंड चित्र के माध्यम से डिफरेंट ईयर में अलग अलग दंड चित्र बनाकर उस चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। अलग अलग चीजें बनाते हैं साथ में, इसमें अलग अलग ईयर्स में इसको चीज को प्रदर्शित किया था तो हमको यहाँ पर एक ही साल में डिफरेंट फैकल्टी का कंपैरिजन भी पता चलता है, साथ में डिफरेंट ईयर्स में भी वो कंपैरिजन पता चलता है। इस तरह से बहुदंड चित्र में हमको एक से अधिक चीजें एक साथ क्लियर हो। परसेंटेज बार डायग्राम यानी प्रतिशत दंड चित्र की, जब हम प्रतिशत दंड चित्र की बात करते हैं तो इसमें चित्रों का जो प्रदर्शन होता है उसमें वास्तविक रूप से के बताने के अतिरिक्त विभिन्न तरह के जो मद होते हैं, विभिन्न तरह के जो डाटास होते हैं उनमें जो सामग्री होती है उसकी तुलना की जाती है। इसके लिए सामग्री को प्रतिशत में बदल दिया जाता है और समान लंबाई के दंड चित्र बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पर हमको सारे दंड चित्रों में अलग अलग दृष्टिकोण नहीं दिखाई पड़ता है बल्कि समान लंबाई के दंड चित्र दिखाई पड़ते हैं। इन चित्रों में
अंतर्विभाजन दंड चित्रों में केवल अंतर यह है कि पहले के दंडों को समान लंबाई होती है और दंडों का विभाजन मदों पर उपलब्ध आंकड़ों के प्रतिशत के आधार पर लिया जाता है, जबकि दूसरे में वास्तविक सामग्री को ही प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने समान लंबाई के दंड चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिया है परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज में मेंबर्स के जो संख्या है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10% के आधार पर इस चीज को प्रदर्शित किया गया है। अगर हम फैमिली ए की बात करते हैं तो फैमिली ए में हमको जो परसेंटेज खासकर चाइल्ड का दिखाई पड़ता है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है, जबकि हमको यूथ का परसेंटेज चाइल्ड की तुलना में कम दिखाई पड़ता है और जो वृद्ध लोग हैं एज्ड लोग हैं उनका और कम दिखाई पड़ता है, जबकि फैमिली बी में दिखाई पड़ता है हमको चाइल्ड के यानी बच्चे थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं फैमिली ए की तुलना में, जबकि यूथ का परसेंटेज ज्यादा दिखाई पड़ता है फैमिली ए की तुलना में, यानी अगर हम और एज की संख्या और कम दिखाई पड़ती है, यानी तीनों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर यूथ सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं फैमिली बी में। फैमिली सी का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज एक तरह से फैमिली बी से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 40% के आसपास हम फैमिली मेंबर्स दिखाई पड़ते हैं, जबकि अगर हम यूथ की बात करते हैं तो वो 10% के आसपास दिखाई पड़ता है, जबकि यहाँ पर एज्ड यानी फैमिली सी में वृद्ध लोग की संख्या अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ती है। यानी अगर हम बात करते हैं फैमिली सी में चाइल्ड की, चाइल्ड नंबर वन पे है और वृद्ध लोग नंबर टू पे हैं और यूथ लोग नंबर तीन पे हैं। इसी तरह से अगर हम फैमिली डी की बात करते हैं तो फैमिली डी में हमको जो परसेंटेज दिखाई पड़ता है वो परसेंटेज काफी हद तक बच्चों का जो परसेंटेज है वो 40% से थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं यूथ का जो परसेंटेज है वो यूथ का परसेंटेज 10% के आसपास दिखाई पड़ता है और जबकि वृद्ध लोग का परसेंटेज हमको यहाँ पर एक तरह से काफी हद तक चाइल्ड के आसपास नजर आता है। इस तरह से हमने फैमिली ए बी और सी और डी में ये प्रदर्शन देखा, यानी परसेंटेज के आधार पर हमको ये चीज है कि दंड चित्र तो इक्वल लंबाई के होंगे लेकिन उन सब चीजों को हमने परसेंटेज के आधार पर, इस तरह से हमने यहाँ पर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस चीजों में किस मेंबर्स किस फैमिली मेंबर्स में वृद्धों की संख्या ज्यादा है, किस फैमिली मेंबर्स में यूथ की ज्यादा है और किस फैमिली मेंबर में चाइल्ड की ज्यादा है। इसके जरिए भी हमको काफी चीजें पता चल पाई डायग्राम की। जब हम पाई चित्र की बात करते हैं तो एक यहाँ पर दो या दो से अधिक जो डाटाज हैं तथ्य हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। पाई चित्र की को बनाने के लिए सप्तम हम संख्याओं और आंकड़ों का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। इसके पश्चात सभी अनुपातों का वर्गमूल निकालकर उसके आधार पर वृत्त के अर्धव्यास का निर्धारण कर लिया जाता है। इस पर सभी पाई चित्रों का समान रूप से हम विभाजन कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर सिंपल सर्किल की बात करेंगे, यानी सरल वृत्त चित्र की बात करेंगे, इसके साथ साथ सरल वृत्त चित्र के साथ साथ उप विभाजित वृत्त चित्र की बात करेंगे, इनके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। सिंपल सर्किल डायग्राम की यानी सरल वृत्त चित्र की। सरल वृत्त चित्र के अंतर्गत हम जो डाटा है उसको अलग अलग वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि इसमें आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से विभिन्न तरह के वृत्त बना लिए जाते हैं और उनका आकार दे दिया जाता है, उसके जरिए उसको समझने का प्रयास किया जाता है। खासकर सरल वृत्त चित्र में हम जो हमारी जो डाटा आता है उसका वर्गमूल तैयार किया जाता है और उस वर्गमूल के आधार पर हम उसकी एक लाइन खींचते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका एक तरह से वृत्त तैयार करते हैं। और इस खासकर इस सारणी में खासकर इसमें पर्टिकुलर प्रदर्शन में हम यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्टेट का जिक्र किया है, इसमें यूपी बिहार और उत्तराखंड का जिक्र किया गया है। हाँ, अगर हम यूपी का वृत्त देखते हैं तो यूपी के वृत्त में एक लाइन खींची हुई है, ये वास्तव में इसका एक वर्गमूल है, यानी वर्गमूल की जो लाइन खींची है इसकी जो लंबाई है उसके आधार पर हम एक पैमाना मानते हैं और उसके आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। इसी तरह से बिहार में जो लाइन खींची है ये उसका वर्गमूल है, इसी तरह से उत्तराखंड में जो लाइन खींची है ये इसका वर्गमूल है। इस तरह से हम जिक्र कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये लाइन अगर हम इसको मान लेते हैं 5, अगर ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई है तो 5 पंजे यहाँ पर 5 पंजे 25 25 यानी 25 इसकी एक कह सकते हैं और हमने जो पैमाना माना है
उस पैमाने के आधार पर हम ये कह सकते हैं, 25 के आधार पर हमने ये तैयार किया, एक तरह से 25 करोड़ हो सकता है। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करते हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर सपोज ये है, तो 3 × 9, 9 करोड़। इसी तरह से यूके की बात करते हैं, तो ये 2 है, तो 2 × 4, 4 करोड़। इस तरह से हम इस चीज को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यानी हमको सिंपल रूप से, साधारण रूप से ये हमको ये समझ में आ रहा है कि यूपी की जनसंख्या बिहार से ज्यादा है, इसी तरह से बिहार की जनसंख्या उत्तराखंड से ज्यादा है, इस तरह उत्तराखंड की जनसंख्या यूपी और बिहार से कम दिखाई पड़ रही है। इस तरह से हम कंपेरिजन के आधार पर इस चीज को समझने का प्रयास कर सकते हैं। सब डिवाइडर सर्कल डायग्राम की, जब हम उपविभाजित वृत्त की बात करते हैं, तो इसमें केवल विभिन्न इकाइयों के बीच तुलना करनी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक इकाई से संबद्ध अनेक विशेषताओं के बीच तुलना करनी होती है। यानी यहाँ पर हमको एक विभिन्न इकाइयों के बीच तुलना न करके हमको प्रत्येक इकाई के संबंध अनेक विशेषताओं के बीच में तुलना करनी होती है। ऐसे आंकड़ों को उपविभाजित वृत्तचित्र द्वारा हमको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर हम एक तरह से वृत्तचित्र बनाते हैं और उसके जरिए प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर हमने जिक्र किया है कि अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में रिलीजन का जो परसेंटेज है वो उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हिंदू हिंदू का जो परसेंटेज है 82%, इस चीज को प्रदर्शित हमने सब डिवाइडेड सर्कल डायग्राम प्रस्तुत किया। 82% हमको हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं, 12% हमको मुस्लिम्स दिखाई पड़ रहे हैं, 2% क्रिश्चियंस दिखाई पड़ रहे हैं, और 4% अदर, जिसमें सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। इस तरह से इस सब डिवाइडेड सर्कल डायग्राम से हमको कंपेरिजन हमारे सामने क्लियर होता है कि रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोग जो हैं वो एक सर्कल के जरिए हम को क्लियर होता है कि यहाँ पर हिंदू का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम्स का है, और तीसरे नंबर पे क्रिश्चियंस का है, और बाकी सारे धर्म का परसेंटेज अदर्स के। लेकिन अगर नंबरों की बात करते हैं, तो नंबर 1 पे हिंदू हो गया, नंबर 2 पे मुस्लिम्स हो गया, नंबर 3 पे अदर्स हो गया, नंबर 4 पे क्रिश्चियंस हो गया। इसके जरिए हमको ये चीजें क्लियर हो जाती है, यहाँ पर हम इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं।